अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर शफ़क। आज हम काउंटडाउन की बुक का काम करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 16, 16, 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो आज क्या डेट है, 14, 14, 14 अगस्त 2020। डेट लिख ली। डेट लिखने के बाद ब्लू कलर से क्या लिखा हुआ है, TENS टेंस, ANDONES वंस, टेंस एंड वंस। राइट द नंबर्स इन टेंस एंड वंस। ये देखें, यहाँ बॉक्सेस बने हुए टेंस के और वंस के। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो बंच बने होते हैं 10 चीज़ों के, एक चीज़ बनी हुई होती है, वो क्या होता है, टेंस होते हैं। जो एक चीज़ अकेली होती है, यानी एक नंबर होगा, तो वो यूनिट होगा, यानी वन होगा। टेंस 10 चीज़ें होंगी, यानी 10 चीज़ें, 10 नंबर्स का एक नंबर हो। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने सिर्फ टेंस और वंस को अलग करना है, और कुछ नहीं करना। जैसे 3, 30, 3 इधर लिख दिया, 1 अलग हो गया। उसे 3, 30 यानी 30 का 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ, 30 का 3 यहाँ लिख दिया, और 3 ये रहा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। उसी तरीके से 40 का 4 यहाँ लिख दिया टेंस में, और 1 अलग कर दिया। 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50। अब आपने क्या करना है, ये वाला काम करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज का, पेज नंबर 17, ये क्या है आपका होमवर्क है। ये देखें, जो मैं आपको बता रही थी टेंस और यूनिट, टेंस और वंस के बारे में, ये देखें, ये टेंस है, एक बंडल बना हुआ है वुड्स का, तो ये क्या है, लकड़ियों का एक बंडल बना हुआ है, तो ये क्या है, टेंस है। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये वंस है, अलग अलग है ना, एक साथ तो नहीं जुड़े हुए, अलग अलग हैं। तो ये 1, 2, 3, ये 10 है, ये 1, 2, 3, यानी 10, 11, 12, 13। तो ये किसके साथ मैच करोगे, 13 के साथ मैच करोगे, बस इसे मैचिंग करनी है। यानी ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 17 क्या है आपका होमवर्क। तो यहाँ लिख लें HW। और जो बच्चे होमवर्क पोस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना होमवर्क लाजमी पोस्ट करें, ताकि मिड टर्म में वो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, जो बच्चे होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, लाजमी सेंड करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।